असलम स्टूडेंट्स टू बी सोशल एंटरप्रेन्योर या पोटेंशल सोशल एंटरप्र्योर्स दे आर आलमोस्ट कंज्यूम्ड बाई देयर मिशन वो अपने मिशन में इतने फोकस्ड होते हैं वो हर कीमत पर उसको अचीव करना चाहते हैं इन अ वे अल्ट्रोस्टिकली वो इंटरेस्ट होते हैं माशरे को बेहतर बनाने में लोगों के मसाइल हल कर में उनकी ऐसी ज़रूरियात पूरी करने में जो गवमेंट्स या मार्किट्स नहीं पूरी कर सकती कि उनको अपने गोल के सिवा कुछ नज़र नहीं आता लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है जब सोशल वेंचर को फंड करने की बात आती है तो उन्हें अपने मिशन के अलावा इन्वेस्टर या फंडर के मिशन को भी देखना पड़ता है बहुत अहम है कि सोशल एंटरप्रेन्योर का जो गोल्स हैं उसका जो मिशन है और जो इन्वेस्टर के गोल्स या उसका मिशन है उनके दरमियान कोई अलाइनमेंट हो ज़ाहिर है इसके बगैर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा और सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उस इन्वेस्टमेंट को अप्रीशिएट नहीं कर सकेगा उसको केयरफुली स्पेंड नहीं करेगा वो रिटर्न नहीं दे सकेगा सवाए प्रोबेबली सोशल रिटर्न के जो फाइनेंशियल रिटर्न है वो शायद वो ना कर सके तो चूँकि हमने पहले बात की कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक मिनिमम रिटर्न में इंटरेस्टेड होते हैं तो ऐसे में दोनों के गोल्स, दोनों का मिशन दोनों की वैल्यूज़ इवन जो ऑर्गेनाइजेशनल है, उनके दरमियान एक मैच होना ज़रूरी है ये मैच जो है वो कैसे पॉसिबल है कैसे असेस हो सकता है कि एक इन्वेस्टर जो कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है से एक बैंक है या एक लोन देने वाला इदारा है और एक सोशल एंटरप्रेन्योर दोनों के दरमियान ये कैसे मुमकिन है उसकी असेसमेंट यह असेसमेंट जो है वो तीन चार चीज़ों के बेसिस पर की जा सकती है नंबर वन मोटिवेशन सोशल एंटरप्रेन्योर को जानने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टर का मोटिवेशन क्या है इन्वेस्ट करने में क्या वो सिर्फ रिटर्न के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है क्या उसे प्रॉफिट के साथ साथ या रिटर्न के साथ साथ सोशल गुड या किसी कॉज के साथ उसका कोई लिंक है कोई उसकी कमिटमेंट है कि वो अपने पैसे तो कमाना चाहता है लेकिन अपने मुआरे के लिए भी कुछ करना चाहता है या क्लीन जिसको इन्वामेंट है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है सोशल इंटरप्रेन्योर के लिए एज़ वेल एज़ इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर को भी ये देखने की ज़रूरत है कि जो सोशल इंटरप्रेन्योर उसको अप्रोच कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए उसका गोल क्या है क्या वो सिंगल माइंडेडली फोकस्ड है अपने विजन अपने मिशन के ऊपर या उसका ऑपरेशनल प्लान ऐसा है इतना एफिशिएंट है कि उसकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दे सके तो दोनों का जो मोटिवेशन है उसमें एक मिनिमम मैच ज़रूरी है आ, मैं भी सोशल एंटरप्रेन्योर अपने सोशल मिशन के साथ ज़्यादा कमिटेड हो लेकिन उसके ऑपरेशनल प्लान में उसके बिजनेस प्लान में इतनी गुंजाइश हो कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न कर सके इसी तरह मे भी सोशल जो इन्वेस्टर है जो फंडर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता हो लेकिन उसके अंदर ख़्वाहिश हो डू गुड की या माशरे के लिए कुछ बेहतर करने की तो ये एक मिनिमम मैच जो है मोटिवेशन का इंटेंशंस का वो बेहद ज़रूरी है दूसरे नंबर पर यह असेसमेंट जो है अलाइनमेंट uh, की वो हो सकती है इश्यूज के ऊपर बाज़ सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ग्लोबल इश्यूज को उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं मसलन पावर्टी दुनिया भर का मसला है क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ तरह से इससे मुतासर हो रहे हैं लेकिन बहरहाल ये सब के लिए एक रियाल्टी है तो इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर्स बहुत लोकल डोमेस्टिक इश्यूज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं फीमेल लिटरेसी होमलेस के लिए अकोमोडेशन और इस तरह के ड्रग एडिक्ट्स के लिए कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम ये वो चीज़ें हैं जो सोशल एंटरप्रनोर इंटरेस्टेड है जिनको करने में ये वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर उसका फोकस है इसी तरह इन्वेस्टर्स हैं बाज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कॉजस के लिए इन्वेस्टमेंट है, करते हैं बाज जैसे पॉवर्टी रिडक्शन और क्लाइमेट चेंज इसी तरह बाज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत लोकल लेवल पर क्लोज़र टू होम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको ऐसे इश्यूज के ऊपर जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनको वो मसलन मॉनिटर कर सकें जिसका वो रिटर्न या फ़ायदा जो इम्पेक्ट आया है वो देख सकें इसी तरह बाज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो जोग्राफ़िकली फ़ोकस्ड होते हैं मसलन अक्यूमन फ़ंड जो है वो इंडिया पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका में फेलोशिप्स और ग्रांट्स देता है तो ये इन्वेस्टर्स के इश्यूज मुख्तल्फ़ हो सकते हैं लोकल हो सकते हैं इंटरनेशनल हो सकते हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर के जो चूज इश्यूज़ हैं वो मुख्तफ हो सकते हैं एक अच्छा सोशल एंटरप्रेन्योर उसको चांसेस ज़्यादा हैं इन्वेस्टमेंट मिलने के अगर वो अपने इशू के मुताबिक इन्वेस्टर को अप्रोच करता है अगर आप एक इंटरनेशनल इशू पर काम कर रहे हैं और आप लोकली फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो ये एक मैच नहीं बनेगा अलाइनमेंट नहीं बनेगी मे भी थोड़ी देर के लिए कोई इंडिविजुअल डोनर कन्विंस हो के आपको थोड़ी फंडिंग कर दे लेकिन इन द लॉन्ग रन वो वायबल नहीं होगी कॉन्टिन्यू नहीं रहेगी तीसरे नंबर पर यह अलाइनमेंट जो है वो एवल्यूएशन से तय होती है कि इन्वेस्टर जो है वो कैसे असेस करता है किस तरह मॉनिटर करता है अपनी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोग्रेस है और उस पर जो रिटर्न आना है उसके लिए उसके बेंच क्या हैं इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर है वो किस तरह इम्पेक्ट को जो है असेस करता है उसकी एवेलन कैसे करता है सोशल uh, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो नोटोरियस है कि सोशल इम्पेक्ट को मोनेटाइज करना उसको मॉनिटर और एवेलुएट करना मुश्किल है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत एक्यूरेट हद तक हो सकती है कि उसकी ओवलुएशन उसकी मॉनिटरिंग के पैसा कहाँ जा रहा है कितना बढ़ रहा है किस रेट पर कब जो है उसके नीचे जाने का इम्कान है और कब जो है उसके ऊपर होने का इमकान है तो दोनों के बेंच मार्क मुख्तलिफ़ होते हैं सोशल जो एंटरप्रन हैं उनके वैलुएशन के बेंच मार्क उमूमा सोशल होते हैं कितने लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं आ, बेहतर ज़िंदगी से क्या मुराद है जो फाइनेशल इन्वेस्टर्स हैं उनके जो है जाहिर है वो मुख्तफ़ हैं कितना रिटर्न आया एक डॉलर के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम में डबल हो गई वो क्वालिटेटिव होते हैं ज़्यादातर सोशल इंटरप्रोर्स के जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके क्वांटिटेटिव एवलेशन होती हैं उन दोनों को मैच करना उनके दरमियान कोई अलाइनमेंट पैदा करना अगर कोई कर सके सोशल इंटरप्रियोर्स और इन्वेस्टर्स तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अदरवाइज चांसेस कम हैं कि इन्वेस्टर उस कॉज में इन्वेस्ट करें और उसके बाद अप्रोच है सोशल एंटरप्रेन्योर की थेरी ऑफ चेंज और फाइनेंशियल इन्वेस्टर की थेरी ऑफ चेंज पिछले किसी मॉड्यूल में हमने थेरी ऑफ चेंज के बारे में बात की थी कि अगर हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनसे क्या फ़र्क होता है क्या आउटकम क्या आउटपुट जो है वो आती है इसी तरह इन्वेस्टर्स भी जानना चाहते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कितनी और किस तरह की आउटकम्स और आउटपुट्स जो हैं वो होंगी दोनों की थेरी ऑफ चेंज अगर एक अलाइंड है आपस में उसमें कोई मैच है कोई रितम है फिर तो चांसेस हैं कि इन्वेस्टर जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर की कॉज को अपनाएगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और अगर नहीं तो मुश्किल हो जाएगा सोशल एंटरप्रेन्योर चूँके फंडिंग सीख कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस मैच को इस अलाइनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करे अपने मिशन को अपनी जो थेरी ऑफ चेंज है उसे इस तरह से करे प्रेजेंट के इन्वेस्टर को कन्विंस कर सके कि वो देख सके कि उसके फाइनेंशियल टर्म्स में रिटर्न किस तरह से आ रहा है चेंज जो है वो कैसे आकर हो रही है और इम्पेक्ट जो है वो फाइनेंशियल सोशल और इन्वामेंटल टर्म्स में कैसे मेजर किया जा सकता है तो अगर दोनों की अप्रोच अलाइंट है तो चांसेस हैं कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं अगर अप्रोच या थेरी ऑफ चेंज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है या डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उसके तो मुश्किल हो जाता है थैंक यू